मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने बात कर लिया है मिलियर इंडिसेस के बारे में। मिलियर इंडिसेस जैसे कि उसमें हमने बात की थी, कोई अगर हमारे पास प्लेन दिया हो तो उससे हम मिलियर इंडिसेस कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें हम जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, गिवन मिलियर इंडिसेस हाउ टू ड्रा दी प्लेन। इसमें मिलियर इंडिसेस दी होगी, उससे हमें प्लेन ड्रा करना होगा। तो हमारे पास मिलियर इंडिसेस दी हुई है 100, 011, 001, 110, 101, 011, 111, 112। तो हमारे मिलियर इंडिसेस जो दी है उससे हमें प्लेन ड्रा करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले हम स्टेप वन, हमारे पास मिलियर इंडिसेस दी है, मिलियर इंडिसेस इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगी वेस्ट इंडिसेस से हमें मिल जाएगा इंटरसेप्ट। तो हमारा यह होगा हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, तो ड्रॉ दी क्यूब एंड सेलेक्ट प्रॉपर ओरिजिन एंड ड्रॉ एक्स वाई जेड एक्सिस, हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। दूसरे में सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, उसमें थ्री कोऑर्डिनेट जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस उसमें पहले ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होगा, विच रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम मार्क करेंगे, मार्क दिस इंटरसेप्ट एंड ज्वाइन थ्रू द स्ट्रेट लाइंस द प्लेन ऑब्टेंड इज द रिक्वायर्ड प्लेन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम एक मार्क करेंगे जहाँ तक हमारा कोई भी इंटरसेप्ट होगी, फिर उससे हम एक स्ट्रेट लाइन में एक प्लेन ड्रा करेंगे। कैसे करते हैं उसको हम देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पहले वाली वीडियो में प्लेन दिया है उससे हम कैसे निकालेंगे मिलियर इंडिसेस। तो उसके लिए हम क्या कर करते थे, हमें दिया होता था इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमें दी हुई होती थी, फिर इससे हम निकालते थे इसका वेस्ट इंडिसेस की बात करते थे हम रेसिप्रोकल के बाद हमारा आ जाता था मिलियर इंडिसेस। तो इसका हमें उल्टा करना है, एकदम उल्टा। जैसे कि हमें उसमें प्लेन दिया रहता था, मिलियर इंडिसेस डिफाइन करनी रहती थी, तो इसमें मिलियर इंडिसेस दी है, प्लेन को ड्रा करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये इंटरसेप्ट पहले होती थी उसे हम वेस्ट इंडिसेस पाते थे, वेस्ट इंडिसेस रेसिप्रोकल करते थे। अगर यहाँ पर एलसीएम की ज़रूरत होती थी तो लेते थे, नहीं तो फिर इसके लिए कुछ ऐसे प्लेन थे जिसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो रेसिप्रोकल से हमारा मिल जाता था मिलियर, रेसिप्रोकल करते थे, उसके बाद हमारा हो जाता था मिलता था मिलियर इंडिसेस। तो इसमें हम सेम उल्टा करेंगे, सबसे पहले दी होगी हमारे पास मिलियर इंडिसेस, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, मिलियर इंडिसेस के बाद रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के बाद हमें मिलेगा वेस्ट इंडिसेस, इसके बाद मिलेगा हमें वेस्ट इंडिसेस से हमें मिलेगा इंटरसेप्ट, वेस्ट इंडिसेस से इंटरसेप्ट। इसको हम इस तरह से करते थे जब हम प्लेन टू मिलियर इंडिसेस डिफाइन करते थे, लेकिन हम इसको इस तरह करेंगे जब हम मिलियर इंडिसेस से प्लेन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस प्लेन की 100। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, पहला है 100 मिलियर इंडिसेस। हमारे पास मिलियर इंडिसेस क्या है, 100। तो अगर आप कोऑर्डिनेट में देखें तो ये वाला होता है एक्स पर, ये वाला होता है वाई पर, और ये होता है जेड पर। तो हमारे पास ये हो गई मिलियर इंडिसेस, हमें मिलियर इंडिसेस से प्लेन की तरफ जाना है, तो मिलियर इंडिसेस, इसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे इसका, रेसिप्रोकल 1/1। ये वाला भी 1/0, तो रेसिप्रोकल के बाद हमें मिल जाएगी वेस्ट इंडिसेस। वन बाई वन वन, और ये वन से वन का जीरो में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये वाला भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसके बाद हमारा क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमारी कैसे होती थी, जैसे कि हमारा वेस्ट इंडिसेस के लिए फार्मूला होता था एल ए एम बी एन सी, तो एल की वैल्यू ये है 1, और यहाँ पर अगर आप 1/1 लिखना चाहें या फिर
एम एन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट में नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये एल की वैल्यू है, इसके बगल में ए बचा हुआ है, तो एल की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है ए, तो ए ही रहेगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर इसके बगल में आप एम लिखें तो इसका कुछ मतलब नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरसेप्ट 1 × a हो जाएगी। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, मिलियन इंडिसेस, रेसिप्रोकल, वेस इंडिसेस, इंटरसेप्ट। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, एक क्यूब ड्रा करना है और उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस को दिखा देना। सबसे पहले चलिए क्यूब ड्रा करते हैं। ये हो गया हमारा क्यूब। अब इसमें हम दिखाएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस, ये हम इसको ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिन, यहाँ से ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, और ये ऊपर वाली ये हो गई जेड एक्सिस। तो अब हमारी इंटरसेप्ट जहाँ है, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हमें इंटरसेप्ट को मार्क करना है। तो हमारी इंटरसेप्ट पहली है एक्स पर, ये देखिए हमारी ये एक्स आती हुई आ रही है ना, कोऑर्डिनेट हमारा ये ए वाला जो है एक्स पर, ये वाला वाई पर, ये वाला जेड पर, ये वाला एक्स पर, ये वाला वाई पर, वाला जेड पर। तो हमारी एक्स पर एक इंटरसेप्ट है यहाँ पर, एक इंटरसेप्ट यहाँ पर है, और वाई और जेड के लिए इन्फाइनाइट है। तो इससे पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे उसमें पता होगा आपको, इन्फाइनाइट प्लेन वो होता है जैसे कि ये प्लेन है, उस पर कुछ इंटरसेप्ट ना हो तो वो इन्फाइनाइट तक चला जाता है। तो हमारी एक इंटरसेप्ट यहाँ पर हो जाएगी, और वाई पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है वो इन्फाइनाइट तक जाएगा, जेड पर भी वैसे ही कोई नहीं है वो इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो जो हमारा इंटरसेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग हमें मार्क कर लिया, अब उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, अब इसके ऊपर वाले पॉइंट है कि अब इसके पैरेलल वाले पॉइंट को हम ले लेंगे, और इसे हम ड्रॉ कर लेंगे एक प्लेन। ये देखिए इसमें हमें एक प्लेन दिखने लगा वो जो कि एक्स पर है। ये हो गया हमारा पहले मिलियर इंडिसेस से। हम देखते हैं दूसरा 0 1 0 का। ये हो गई हमारी मिलियर इंडिसेस। मिलियर इंडिसेस से हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करते पहले, ये हो जाएगा 0/1/0, ये हो जाएगा 1/1, और ये वाला हो जाएगा 1/0। तो रेसिप्रोकल के बाद हमारा क्या था, वेस इंडिसेस हमारी क्या हो जाएगी, इसके लिए इन्फाइनाइट हो जाएगी। जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 1, ये वाली हो जाएगी इन्फाइनाइट। ये वाला एक्स के लिए है, ये वाला वाई के लिए, और ये वाला जेड के लिए। हमारी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, तो इन्फाइनाइट के लिए इन्फाइनाइट, ये 1 वाई एक्सिस पर यानी 1 × b, और इन्फाइनाइट ये 1 × b। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कहाँ से 1 × b आ रहा है। b यानी कि वाई एक्सिस पर जो हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लेते थे वो बी डिस्टेंस वो है। तो इसके लिए अब हमारे हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमें पहले क्यूब ड्रा करना है। इसको हम ओरिजिन मान लेंगे, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये जेड, ये वाई। तो अब हमारी इंटरसेप्ट जो है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई, ये वाला जेड। तो हमारी इंटरसेप्ट आ रही है वाई एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस ये है, यहाँ पर एक इंटरसेप्ट यहाँ पर है, और एक्स और जेड पर कुछ भी नहीं, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं, वो इन्फाइनाइट तक है। तो हमारा एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये है, अब इसके पैरेलल वाला, इसके सामने वाला, ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, इसी से हमारा ड्रा होगा एक प्लेन जो कि वाई एक्सिस पर होगा ना। ये वाला जो प्लेन है वो ना तो एक्स पर कट करेगा ना ही वाई पर कट करेगा, जिससे और सिर्फ ना ही एक्स पर करेगा ना ही जेड पर करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वाई पर होगा। ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम बात करते हैं तीसरे की, हमारा ये और ये हो गया तीसरा, देखते हैं 0 0 1।
मिलियन इंडिसेस के बाद हम करते हैं रेसिप्रोकल, 1/0 जो जाएगा 1/0 जो जाएगा 1/1। इसके बाद आती है हमारी बेस इंडिसेस, हो जाएगा इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1। इसके बाद आ जाएगा हमारा इंटरसेप्ट, ये इनफाइनाइट ही रहेगा, ये इनफाइनाइट, और ये जेड एक्सिस पर हमारी जो डिस्टेंस लेते थे वो होती थी सी, ये हो जाएगा 1 × C। ये हो जाएगा हमारा बेस इंडिसेस और इंटरसेप्ट हमारी होगी ये वाली सी, और यहाँ पर ए बी सी तो हो गई लेकिन ये इनफाइनाइट में मिल लो। फर्स्ट स्टेप के बाद हमें एक क्यूब बना लेना है और इसमें एक्स वाई एक्सिस को दिखा देना है, ये ओरिजिन हमारा एक्स जेड और ये वाई। तो अब हमारी इंटरसेप्ट है वाई, यानी ये एक्स वाला है, ये वाई वाला और ये जेड वाला, तो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट हमारी यहाँ पर है वाई, एक्स और वाई इन्फाइनाइट पर है। तो यहाँ पर एक प्लेन यहाँ से हो जाएगा, एक प्लेन हमारा ऐसे ऐसे ऊपर वाला जो प्लेन होगा वो हमारा जेड एक्सिस पर हो जाएगा ये वाला। ये हो गया हमारा चौथा, देखते हैं मिलियन इंडिसेस 1/1/0, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 1/1 1/0, यूएस इंडिसेस हो जाएगी 1 1 1/9, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी 1 × A 1 × B और ये इन्फाइनाइट, ये एक्स के लिए, ये वाला वाई के लिए और ये वाला जेड के लिए। यहाँ तक हमें करने के बाद सबसे पहले एक ड्रा कर रहा हूँ, अब इसमें दिखा देते हैं एक्स वाई जेड, अब इसमें दिखाते हैं कि इंटरसेप्ट हमारी एक्स पर है वाई पर है, एक इंटरसेप्ट हमारी यहाँ पर है, अब एक इंटरसेप्ट हमारी यहाँ पर है, जेड वाला इन्फाइनाइट लग जाएगा, तो इसके सीधे वाले पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे और इसके सीधे पॉइंट यहाँ पर, तो इसे अब हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, तो हमारे पास बन जाएगा ये एक प्लेन जो कि एक्स पर है वाई पर है, जेड पर नहीं कट करेगा वो इन्फाइनाइट लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई पे ये वाला प्लेन। ये हो गया हमारा चौथा, अब हम देखते हैं 1/0/1, हमारी मिलीगन इंडिसेस भी आ जाएगी 1/1/1, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/1 1/0 1/1, बेस इंडिसेस क्या हो जाएगी इसकी 1 और ये हो जाएगा 0, बेस इंडिसेस हो जाएगी ये 1, ये हो जाएगा इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा 1 और इसकी इंटरसेप्ट हो जाएगी 1 × A (∞), 1 × C, ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए और ये जेड के लिए। तो ड्रा करते हैं, दिखाते हैं एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब हमारे पास इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ पर, एक एक्स पर है दूसरी जेड पर, एक एक्स पर दूसरी जेड पर, एक पॉइंट ए, एक इसके सीध वाला, इसके पैरल, अब इसके पैरल, अब यहाँ से एक लाइन जाएगी, हाँ ये ऐसा लगेगा ये ओरिजिन जाएगी लेकिन ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, ये उसके ऊपर या ऊपर वाला पार्ट होगा, ओरिजिन से कोई भी प्लेन हमारा कंसिडर नहीं होता है। तो एक प्लेन हमारा यहाँ से एक ये ड्रॉ हो जाएगा ये वाला, हमारे पास छठवां क्या हो जाएगा, मिलियन इंडिसेस क्या होगी उसकी 0/1/1, इसका रेसिप्रोकल करें निकालें 1/0 1/1 1/1, बेस इंडिसेस क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, अब इसकी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी इन्फाइनाइट 1 × B 1 × C। अब इसके लिए हम एक ड्रा करते हैं, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा जेड,
जाएगा वाई, एक्स पर ये वाला, वाई पर और ये वाला जेड पर। तो हमारी इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ पर है? वाई पर है, जेड पर है, वाई पर है और एक जेड पर है यहाँ पर। तो अब हम इसके सीधे वाला इधर वाला एक पॉइंट इधर वाला ले लेंगे और इसके सीधे वाला एक पॉइंट इधर पर, इसको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर और ये इधर ज्वाइन कर रही है। अब यहाँ पर एक हमारा प्लेन ड्रा होगा, ये हो गया हमारा 011 हो गया। देखते हैं 111 को, वैसे इंडिसेस क्या हो जाएगी 111 और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी 1 × A, 1 × B, 1 × C। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब इसके लिए हम ड्रा करते हैं एक क्यू, दिखाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, ये हमारा ओरिजिन। हमारी इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ पर है? ए बी सी, यानी ये एक्स वाला, ये वाई वाला, ये जेड वाला, एक्स वाई जेड तीनों पर एक एक इंटरसेप्ट है। तो देखिए एक्स पर यहाँ पर इंटरसेप्ट, एक जेड पर यहाँ पर और एक वाई पर यहाँ पर, तीन इंटरसेप्ट हो गई हमारी। अब तीनों को जो हमें से मिला देंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये हो गया हमारा एक प्लेन। हमारे पास एक और बचा है ये वाला 112 नंबर 8, इसके लिए मिलियर इंडिसेस क्या हो जाएगी 112 रेसिप्रोकल 1/1, 1/1, 1/2 वेस्ट इंडिसेस, इसके लिए हो जाएगी 1, इसके लिए 1 और इसके लिए वेस्ट इंडिसेस के लिए 1/2 और या इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी अपनी 1 × A, 1 × B और ये हो जाएगा 1/2 × C। इसके लिए हमें क्यों ड्रा कर लेते हैं, ये हो गई हमारी एक्स, ये हो गई जेड, ये हो गई वाई, ये हमारा ओरिजिन। तो अब हमारा इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। एक्स पर है 1, इस डिस्टेंस को हम 1 कंसीडर करते हुए आए हैं अभी तक, ये 1 और ये वाला 2 और ये 1/2। तो इतनी डिस्टेंस को हम अगर 1 ले रहे थे यहाँ से, यहाँ इसकी डिस्टेंस को, तो ये 1/2 है, तो इसकी डिस्टेंस हम कुछ यहाँ पर लेंगे, इसकी आधी डिस्टेंस। तो यहाँ से हम ड्रा कर देंगे एक प्लेन, मिलियर इंडिसेस का प्लेन यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिलियर इंडिसेस, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिलियर इंडिसेस, मिलियर इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है सारे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने जो मुझे लगे यहाँ पर लिख दिया मैंने, अब इसको देख लेते हैं हम, इसको मैं समझा देता हूँ। ए प्लेन विच इज पैरेलल टू द एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑफ द इन्फिनिटी एंड देयरफॉर द मिलियर इंडिसेस फॉर दैट एक्सिस इज जीरो। इस सब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसको बस इसके इंपॉर्टेंट फीचर में एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई इंटरसेप्ट जो है, अगर एक्स पर हमारी इंटरसेप्ट आ रही है और वाई पर और जेड पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो उस प्लेन का जो हमारे लिए वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में वही कहा जा रहा है, प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द एनी वन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोई भी उसके पैरेलल होगा तो इंटरसेप्ट जो हमारी हो जाएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी और मिलियर इंडिसेस जो हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मिलियर डू नॉट ओनली डिफाइन पर्टिकुलर प्लेन बट ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। तो दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मिलियर जो बताए थे वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के लिए नहीं है, पर्टिकुलर प्लेन के लिए भी है लेकिन और एक सेट ऑफ प्लेन के लिए, जैसे पहले मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, पूरा एक सेट ऑफ प्लेन बनाया था मैंने उसके लिए भी है।
ए प्लान मिलियर डू नॉट ओनली डिफाइन पर्टिकुलर प्लान बट ए सेट ऑफ प्लान, सिर्फ पर्टिकुलर प्लान के लिए डिफाइन नहीं किया गया बल्कि एक सेट ऑफ प्लान के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमें, ए प्लान इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेन हैविंग जीरो इंटरसेप्ट। अगर हमारा कोई भी प्लेन ओरिजिन से पास होता था तो उसकी इंटरसेप्ट हमारी जीरो हो जाती थी। तीसरा पॉइंट वो है। दसवां पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द मिलियर इंडिसेस ऑफ टू प्लेन्स हैव द सेम रेशियो एट 4:4 4:2 2:1:1 द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि एट 4:4 और 4:2 2:1:1 सभी प्लेन एक हैं। अब ये बड़ा है, ये छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा। जैसे कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8:4:4 को, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 2 यहाँ पर 2:1:1। ये इसका बड़ा फॉर्म है और ये इसका छोटा फॉर्म है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास अगर आम का सीज़न चल रहा, आम लेते हैं, अगर आपके पास पास 5 आम है और उसको आप लोगों आपको 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे होगा। 5 आम है, 10 लोगों में बांटना है तो आधा आधा हो जाएगा। तो इसको अगर आप कट करें, 5 * 5 = 10 = 1/2 आधा आधा हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास वही एक आम है और उसको 2 लोगों में बांटना हो फिर भी आधा आधा हो जाएगा। ये इसका बड़ा फार्म है, ये इसका छोटा फार्म है, लेकिन ये दोनों सेम है। उसी तरह से ये प्लेन भी है। अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट की, व्हेन द इंटीजर इज यूज्ड इन द मिलियर इंडिसेस कंटेन मोर देन वन डिजिट द इंडिसेस मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा फॉर क्लैरिटी। इसको एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई इंटरसेप्ट जो है, अभी तक हम इंटरसेप्ट कैसे पढ़ते आए हैं, जैसे कि 1:1:0 कुछ इस तरह से हमारी इंटरसेप्ट होती थी या फिर हमारी मिलियर इंडिसेस होती थी। तो अगर हमारे पास ऐसा होता था तो इसके बीच में हम कुछ काम वामा नहीं लगाते थे, ऐसे ही लिख देते थे। लेकिन अगर हमारे पास ये 1 डिजिट के अलावा अगर हमारे पास 2 डिजिट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 1 हो, 11, 12 ले लीजिए, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे। ये एक्स पर है या वाई पर है या जेड पर है, तो इसके बीच में इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक कामा का इस्तेमाल करते हैं। वही इसमें कह रहा है सेपरेटेड बाई कॉमर्स फॉर क्लियरिटी। एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप कुछ भी ऐसे ही, अगर यहाँ पर 9 हो जाए, यहाँ पर 15 हो जाए, तो यहाँ पर जहाँ पर ये 2 डिजिट आएगा ना, वहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे ताकि हमें क्लियर रहे कि ये सेपरेटेड है, ये अलग अलग है। तो आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए हमें ज़्यादा दीजिए।